कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बिग बॉस जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनको नहीं उठाते, लेकिन जो एवई वाली बातें हैं उनको उठा लेते हैं। हालांकि कभी कभी वो जो एवई वाली बातें होती है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि कल के दिन जिस तरीके से अर्चना को एक डोज मिलना तो जरूरी है। देखिए, प्रियंका को जब कहा गया इरिटेटिंग, अनोइंग, सुनने में इरिटेशन होती है, उसके बाद से प्रियंका थोड़ी टोन डाउन हो गई है। आप इस चीज को नोटिस करिए। उसके साथ साथ अब जो है अर्चना को आई थिंक एक अच्छा खासा रियलिटी चेक मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा शो चला रही हैं। वो अकेली हैं जो पूरे शो में नज़र आती हैं, वो अकेली हैं जो पूरे शो को चला रही है। और जिस तरह से वो बाकी सब के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात करती हैं, चाहे वो सुंबुल हो कि कि तुम्हारी शक्ल एक्ट्रेस वाली है ही नहीं, इस तरह की जो डिमीनिंग बातें करती है, ये बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। और इस चीज़ पर अब सलमान ने वाकई एक सॉलिड तरीके से वाट लगाई है अर्चना की। आपको चलिए मैं वीडियो दिखाती हूँ। के बारे में आपने बोला, शक्ल देखकर रानी राजा बनाओ भैया, पूरा हिंदुस्तान इस शक्ल को जानता है और इस शक्ल की वजह से इन्होंने इतना काम किया है। तो वो कॉमेडी वे में बोला था। शालीन के लिए आपने कहा, भौंक रहा है कुत्ते की तरह। आप वैसे अपने आप को समझती क्या है? आप बहुत ऊपर उड़ रही। अर्चना, सुम्बुल के बारे में आपने बोला, शक्ल देखकर रानी राजा बनाओ भैया, पूरा हिंदुस्तान इस शक्ल को जानता है और इस शक्ल की वजह से इन्होंने इतना काम किया है। तो वो कॉमेडी वे में बोला था। शालीन के लिए आपने कहा, भौंक रहा है कुत्ते की तरह। आप वैसे अपने आप को समझती क्या है? आप बहुत ऊपर उड़ रही। अर्चना, सुम्बुल के बारे में आपने बोला, शक्ल देखकर रानी राजा बनाओ भैया, पूरा हिंदुस्तान इस शक्ल को जानता है और इस शक्ल की वजह से इन्होंने इतना काम किया है। तो वो कॉमेडी वे में बोला था। शालीन, सो क्लियरली सलमान ने सुंबुल का स्टैंड लिया और कहा कि शक्ल को पूरा हिंदुस्तान जानता है, शक्ल की वजह से ही इन्होंने इंडस्ट्री में इतना काम किया है। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप ये पूरा शो चला रही हैं? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपने ही इस शो का जिम्मा उठा रखा है, आपने ही शो का पूरा ठेका उठा रखा है? उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सलमान ने ये भी कहा कि शालीन को जिस तरीके से तुमने कहा कि कि कुत्ते जैसी शक्ल है और वगैरह वगैरह, नेशनल टेलीविजन पर आप एक्टर्स के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते। और मस्ती मजाक में कहना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन सीरियस नोट पर लड़ाई के दौरान ये बातें कहना, ये बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडिंग और डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। और आप अगर अपने आप को एक्ट्रेस मानती हैं, आपने कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं, शालीन और सुंबुल इंडस्ट्री में आपसे ज़्यादा टाइम से हैं, चलो सुंबुल नहीं लेकिन शालीन तो डेफिनेटली इंडस्ट्री में आपसे ज़्यादा टाइम से है, तो एक उस चीज़ का, उस क्राफ्ट की रिस्पेक्ट करना एटलीस्ट आपको आना चाहिए।